वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके लिए मैं जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं आपके ही डिमांड पर। सो मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हरियाणा से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, HSSC का जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 19 नवंबर 2017 को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि जो है हमने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, हम इतने नंबर ला सकते हैं, अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। प्लीज़ आप हमें एक बार ब्रीफ कर दीजिए कि इसकी कट ऑफ क्या होगी, ताकि हम जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर कर सके अपने आप को। इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा कि इसका एग्जाम कब होगा, आपका मींस आपका इंटरव्यू कब होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर कब होगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट निकली थी उसका, और उसके जो है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी वीडियो मैं आपके लिए जो है बाद में बनाऊंगा, पहले उसका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। ये जो डिपार्टमेंट था, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें सुपरवाइजर फीमेल की पोस्ट निकली थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 263। रिटर्न एग्जाम डेट वॉज 19 नवंबर 2017। तो 19 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे बात कर लेते कि टोटल क्वेश्चंस जो थे वो 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 200 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चंस थे। हम इंटरव्यू को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो आपका जो है अब होगा, जब आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी क्वालिफाइड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। दी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन रिटर्न एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू दैट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। जो आप जो है रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा, इसकी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। सो आफ्टर दैट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अगर आप जो है इंटरव्यू दे देते हैं, अगर आप 25 में से जो क्राइटेरिया रखा है कितने नंबर लाने हैं वो अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है दोबारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में। जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उनका जो है पोस्ट उनको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कैटेगरी जिसमें जनरल OBC SC ST और PWD कैटेगरी थी, सो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं पहले कट ऑफ मार्क्स की, तो 75 से 80% तक आपके जो है कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। मार्क्स की बात करें तो 150 से 170 मार्क्स आपको जो है टोटल रिटर्न एग्जाम में लाने चाहिए, तब जाके आप जो है इसका इंटरव्यू दे पाएंगे। OBC की बात करें तो 65 से 70, थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती है, तो ये आप देख लेना। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, मैंने पूरी स्टडी की है, मैंने जल्दी से वीडियो नहीं बनाई, मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी, मैंने जो है लोगों से कॉन्टेक्ट किया जो ऑलरेडी सुपरवाइजर है, तो उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया कि कितनी परसेंटेज जा सकती है, लास्ट ईयर की कितनी गई थी। सो उसके बेस पर जो है मैं ये वीडियो बनाकर लेकर आया हूं आपके लिए। OBC में मार्क्स की बात करें तो 140 से 160 तक आपके मार्क्स हैं, तो आप समझ लीजिए OBC कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC की बात करें तो 50 से 55 यानी आपकी जो है परसेंटेज इतनी कट ऑफ मार्क्स जाएंगे, और मार्क्स जो है 130 से 150। ST की बात करें तो 45 से 50, थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तो 125 से 145 मार्क्स आपके होने चाहिए। PWD में 40 से 45 जो है आपकी कट ऑफ रखी है, थोड़ी सी ऊपर नीचे इसमें भी जा सकती है, इसमें जो मार्क्स हैं 130 से 140 आपके लिए होने चाहिए, तब जाके आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं इसका इंटरव्यू कब होगा और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार मैंशन कर देना, मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।